हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। किसी का भी जीवन परिचय हो तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके स्मरणीय बिंदु देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे और उनके साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसके बाद हम जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे। ठीक, इतना अगर आप एग्जाम की कॉपी पे लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 100% फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो बात करें वासुदेव शरण जी के जन्म के बारे में, तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को और मृत्यु 27 जुलाई 1968, कहीं कहीं पे 67 है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो जन्म की बात करें 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, मृत्यु 27 जुलाई 1968 ईस्वी को और जन्म स्थान इनका मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ इनका जन्म। ठीक है, भाषा की बात करें तो इतिहास, हिंदी, संस्कृत और कला जैसी भाषाओं का इन्होंने यूज किया है अपने जीवन काल में। इतिहास, हिंदी, संस्कृत और कला, साहित्य जैसी भाषाओं का इन्होंने यूज किया है। काल की बात करें तो ये इनका जो काल रहा है वो आधुनिक काल रहा है। विधा की बात करें तो ये विद्वान भी थे, विद्वान कवि थे और लेखक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है, लेखक भी रहे हैं, विद्वान कवि और लेखक भी ये रहे हैं। आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय इनमें, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में इन्होंने काम किया है। रचनाओं की बात करें तो कल्पलता, देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में भी इन्होंने काम किया है। रचनाओं की बात करें कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृत जैसी कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं और भी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इनके स्मरणीय बिंदु, इनका जो जन्म हुआ 7 अगस्त 1904 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1968, कहीं कहीं पे 67 है। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ 7 अगस्त 1904 और मृत्यु 27 जुलाई 1968 ईस्वी को, जन्म स्थान की बात करें तो देख सकते हैं आप, जन्म स्थान है इनका मेरठ जनपद के, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। भाषा इनकी है इतिहास, हिंदी, संस्कृत और कला और साहित्य। काल की बात करें तो इनका जो काल रहा है वो रहा है आधुनिक काल, आधुनिक काल में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। विधा रही है विद्वान कवि और लेखक के पद पे इन्होंने कार्य किया है। अब आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब बात कर ले रचनाओं के बारे में, तो कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृत जैसी कई सारी अन्य रचना भी इनकी हैं। ठीक है, तो ये बात हुई स्मरणीय बिंदु की। अब आप स्मरणीय बिंदुओं की सहायता से जीवन परिचय कैसे बनाएंगे, कैसे स्टार्ट होता है जीवन परिचय। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो देख सकते हैं आप, ऊपर दिया है इनका जन्म। ठीक, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो नाम लिख देंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को। करना क्या है आपको, इनका पहले नाम लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, स्मरणीय बिंदु देख लीजिए, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को और कहाँ हुआ, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। देख सकते हैं आप कैसे लिखना है आपको, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। देख सकते हैं आप जन्म क्या है, 7 अगस्त 1904 ईस्वी और जन्म स्थान क्या है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम। तो कुछ इस प्रकार से आपको बना बना के जीवन परिचय करना होता है स्मरणीय बिंदुओं की सहायता। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्मरणीय बिंदु, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो जीवन परिचय आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए पूरा जीवन परिचय इनका देख लेते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। इनकी माता जी लखनऊ में रहती थी जिसके कारण इनका बचपन भी वहीं बीता और इन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, क्योंकि इनकी माता जी कहाँ रहती थी, लखनऊ में रहती थी। ठीक है, और मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तथा मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने काम किया। मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है और डीलिट की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने पीएचडी की है, सबसे पहले इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की, इसके बाद मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में
अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने काम किया। मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर भी ये आसीन रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री, ठीक है, पीएचडी किया है, जैसे आपका होता नहीं बीएससी एमएससी उसके बाद होता है पीएचडी, ठीक है, प्रोफेसर वाली रैंक के लिए पीएचडी किया तथा डीलिट की उपाधि इनको प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के, देख सकते हैं आप, पहले ही हमने बताया कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे और भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद भारतीय पुरातत्वविद के अध्यक्ष भी रहे तथा काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया तथा काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में, इसके बाद पहले प्रोफेसर रहे काशी विश्वविद्यालय में, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के राधा कुमुद व्याख्या निधि के, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद व्याख्या निधि के व्याख्याता के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद व्याख्या निधि के व्याख्याता भी रहे, मतलब भाषण दिया करते थे, ठीक, तथा अपनी साहित्य सेवाओं के साथ इसी प्रकार साहित्य सेवा करते हुए हिंदी साहित्य का यह महान साधक 27 जुलाई 1968 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। तो ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इनका साहित्यिक परिचय आपको कैसे करना है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के व्याख्याता थे। संस्कृत में इन्हें कालिदास व बाण भट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक तथा पद्मावत तक इनके विशाल ग्रंथ रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के व्याख्याता रहे और संस्कृत में कालिदास व बाण भट्ट जैसे ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक तथा पद्मावत तक जैसे इनके विशाल ग्रंथ इन्होंने रचना की है। किसने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सोच सकते हैं आप, कालिदास व बाण भट्ट के अलावा भी महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथ लिखना कोई छोटी बात नहीं है। कृतियों की बात करें तो देख सकते हैं आप, इनकी रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वेद विद्या, भारत की एकता, एक बार फिर से देख लीजिए, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वेद विद्या और भारत की एकता जैसे प्रमुख ग्रंथ वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखे हुए। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया, कृतियां अच्छी लगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।